एक मुर्गी में कम से कम 500-600 रुपये मुनाफा होता है। अभी तुमको अंडा देगा, तुम अंडा 10 रुपये का बेचेगा, फिर भी आपको मुनाफा है। अच्छा, इस वजह से ये एक मुर्गी का खर्चा है दिन को 3 रुपये। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का जो ब्लॉग है वो है एक जो इमरान ख़ान जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनके जो एक पॉइंट था, एक उन्होंने मशवरा दिया था पूरी आवाम को कि वो मुर्गियाँ पालें और बेचें तो वो अमीर हो जाएंगे। तो उसके मुतल्लिक़ मैंने मुकम्मल एक ब्लॉग बनाया है, तो मैं आपको यहाँ लेके आई हूँ। क्वेटा में है बाबा फरीद टाउन, वहाँ पे मैं लेके आई हूँ। आप वेदर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सनी सा वेदर था। तो मैं आपको यहाँ बाबा फरीद टाउन लेके आई। यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जिसने अपना मुर्गियों का बिज़नेस स्टार्ट किया है। कितने में स्टार्ट किया है, क्या आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या इमरान खान के इस बात पे अमल दरामद होता है कि नहीं होता, और आपको आप बिज़नेस डेवलप होगा या नहीं होगा, आपका रोज़गार बनेगा कि नहीं आएगा, तो मैं ओवरऑल आज इसके बारे में बात करूँगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा अगर आप भी ये बिज़नेस करना चाहते हैं। मैं घर में पहुंची हूं जहां पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पार्टीशंस की गई हैं जहां पे मुर्गियां रखी गई हैं। तो पहले आप देख सकते हैं सनी वेदर क्वेटा का वेदर इस टाइम बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, ठंड ज़्यादा नहीं है ना गर्मी है, तो सबसे अच्छा वेदर ये क्वेटा का होता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन नेट लगा के डिफरेंट की गई मुर्गियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की मुर्गियाँ यहाँ पर थीं। तो साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी और साथ साथ थोड़ा थोड़ा गाइड भी करूँगी, और इनके मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इन्हीं के ऑनर से या इसी के मालिक हम लेंगे। तो पहले जो ये वाइट जो है मुर्गी है, और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी क्योंकि ये बाहर की बरतानिया की नस्ल है, और इसका जो एक मुर्गा आपका देख सकते हो कितना हैवी है कि माशाल्लाह से। मैं नज़दीक से भी आपको दिखा देती हूँ। अब इसके हम दरबे में यानी कि जिसमें जहाँ पे इनको रखा जाता है हम अंदर जाएंगे। अच्छा, ये पहले जो था वो बकरियों वगैरह का था, लेकिन इनको भी कन्वर्ट किया गया है मुर्गियों के कारोबार में। तो ये नेट लगाए हैं डिफरेंट, इस यहाँ पे किस्म की मुर्गियाँ रखी जाती है, एक हर किस्म की मुर्गी को एक साथ नहीं रखा जाता और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे हीटर्स भी लगाए गए क्योंकि क्वेटा में सर्दी है, तो हीटर भी लगाए गए हैं। तो ये अभी आपको मैं दिखा रही हूँ जो अंडा, ये वाइट मुर्गी का जो है अंडा है, अंडा जो है वो 200 रुपये पे सेल होता है एक अंडा। क्यों? तो ये ब्रीड अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं, और इसके साथ ही हम दूसरी जो है किस्म की मुर्गी दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे इन्होंने पिंजरे वगैरह पे रखे हुए हैं ताकि कि अगर जो लोग थोड़ी सी मुर्गियाँ लेने आते हैं या अपना थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनको बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ये मुकम्मल उसको बना के उनको मुकम्मल एक पिंजरे में इनको रख के दे देते हैं ताकि कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें, और साथ साथ इनको गाइड भी कर देते हैं। यहाँ पर इन्होंने शौक़ के तौर पर यहाँ पर रखा था एक शुतुरमुर्ग भी, और कुछ कुत्ते शुत्ते भी रखे हुए थे सिक्योरिटी की वजह से। अब जो नस्ल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये भी अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं, और इनके की जो अंडे हैं ना ये भी आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे, और आप अगर मार्केट में इनको सेल करेंगे। अच्छा, ये आम जो हमारी देसी मुर्गियाँ जो होती हैं जो रोडों पर या रेडियो पर बिक्री होती हैं उनसे ये बहुत अच्छी नस्ल की मुर्गियाँ हैं, मुर्गियाँ हैं। इनके मैं अंदर दरबे भी आपको दिखाऊँगी, लेकिन पहले आप इनकी नस्ल देख लें। ये भाई कितने का एक दाना है? ये 2000 का दाना। और वो कितने का? 3000 का था। वो 3000 का था। नहीं, वो 12000 का जोड़ा होता है। वो 12000 के दो। ये 2000 का। 2000 का जो दाना है। यहाँ पे सिर्फ चूज़े निकाल के ले आते हैं और फिर इनको यहाँ बड़ा भी करते हैं। जब वो बड़ी हो जाती हैं तो यहाँ पे वो उनके जो अंडे वगैरह वो सेल भी करना शुरू कर देते हैं, और मुर्गियाँ भी सेल करते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने कितने ज़्यादा मुर्गियाँ रखी हुई हैं, और यहाँ पे हीटर और बल्ब का भी मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। अब मैं आपको इनके अंडे दिखा देती हूँ। इन टोकरियों में इन्होंने मुर्गियों ने अंडे दिए होते हैं, इनको ये ट्रेन होते हैं कि यहाँ पर ही इन्होंने अंडे देने, यानी कि नीचे कहीं ऐसी जगह पर अंडा नहीं देना। और ये है जी अफ़गानिस्तान की मुर्गियाँ, लड़ाके मुर्गे जो नहीं होते वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपने परचेज़ करना हो तो ये जो है इनके पास ये भी नस्ल होती है। इनके अंडे भी होते हैं जो थोड़े से एक्सपेंसिव बिकते हैं। तो ये जो अफ़गानिस्तान की हैं, इसके अलावा इन्होंने शौक़ के तौर पे भी एक अच्छी फैंसी मुर्गियाँ जो हैं वो रखी हुई हैं, जिनके लिए इन्होंने अलहदा दड़बा अलहदा जो है पार्टीशन की गई है। ये है जी इनके ऑनर, इनसे में हम बात करेंगे। तो ये जो आपके सामने निकल के आ रही हैं ये हैं जी फैंसी मुर्गी और इसके परों और पाँव पे भी पर वगैरह होते हैं। और इनका जो एक पेयर है, ये जो पेयर है एक आपके सामने नज़र आ रहा है 4000 का पेयर है। और ये अंडा जो इनका जो अंडा होता है वो 300 रुपये पे बिकता है मार्केट में, तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। और ये इन्होंने शौकिया तौर पे भी रखी हुई है। एक और भी है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिस तरह इसको हीरा कहते हैं। और ये जो है इसका जो जोड़ा है वो 40,000 का एक मेल होता है, यानी कि एक जो मुर्गा होता है उनका 40,000 का होता है। और इसका अंडा भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो उसके अलावा आगे चलते हैं। ये है जो मुर्गी आपको नज़र आ रही है, आपको लग रहा होगा कलर एक जैसा ही है उस लास्ट वाली का भी और इसका भी, लेकिन ये आरा यार काली मुर्गी है और जिसका एक अदद जो है वो 2500 का है। जी हाँ, ये एक अदद मुर्गा या मुर्गी आप लेंगे तो 2500 का, पेयर फिर 5000 का है। और इसका अंडा 20 रुपये का मार्केट में सेल होता है, यानी कि मार्केट्स में जब आप जाएंगे तो ये 20 रुपये का मखान ये लोग सेल करते हैं, मार्केट में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो सारी डिटेल में बात करते हैं इनके ऑनर से। मेरा नाम बताइएगा भाई। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, आप क्या काम करते हो? मैं ये फार्म का काम कर रहा हूँ, यही बस अपना शौक भी है, कारोबार के लिए भी मुर्गे रखे हुए हैं। अभी मेरे साथ 3-4 नस्ल करे हुए सुसेक से अष्टलोब हैं, आरायार हैं, तो इसका अंडा भी बेचता हूँ, मुर्गियाँ भी बेचता हूँ। तो भाई आपने कारोबार कितने पैसे से शुरू किया था? ये तो अभी कारोबार जब हम लोगों ने तो 4500 मुर्गी लाया था, चूजा लाया था, वो कम से कम 8 लाख 7 लाख से शुरू किया हुआ। अच्छा, अभी तो ये आगे जो है अभी मेरे साथ सारा सेल हो गया, मतलब मैंने 1500 रुपये पे भी निकाला है, 2000 रुपये पे भी बेचता है। तो भाई एक मुर्गी में कितना प्रॉफिट होता है और आपको क्या प्रॉफिट हुआ है इस बिजनेस से? पे कितना मुनाफा होता है? एक मुर्गी में कम से कम 500-600 रुपये मुनाफा होता है। तो आप किस तरह ये बेचते हैं? लोग कस्टमर किस तरह आपके पास आते हैं? कस्टमर तो अभी मेरे को कॉल कर देता है, इधर ही आके मुर्गा पसंद करके अपनी पसंद से ले जाते हैं। तो इसमें एक आम बंदे ने अगर कारोबार शुरू करना है आपके साथ तो किस तरह कर सकता है और उसको कितना मुनाफा होगा इसमें, और वो चीज़ें कहाँ बेचेगा जाके? ये तो इधर ही हर जगह ये बेच सकता है, हर जगह कहीं में दुकान वाले के पास हर बंदे को ये जाएगा। तो उसका अंडा कितने का बिकेगा? ये इसका अंडा जो है अभी तो गर्मी का मौसम आ गया, हाँ? अभी 15 रुपये का इसका अंडा बिकेगा। तो आपका क्या मशवरा है कि लोगों में अभी अगर कोई आप ये वीडियो देख रहा है तो उससे अभी बिजनेस स्टार्ट करे या सर्दियों का इंतजार करे? नहीं, तो लोग सर्दी में भी ले जाता है, गर्मी में भी ले जाता है। ये अभी तुमको अंडा देगा, तुम अंडा 10 रुपये का बेचेगा, फिर भी आपको मुनाफा है। अच्छा। इस वजह से ये एक मुर्गी का खर्चा है जिनको 3 रुपये। तो अभी एक आम बंदा वो अंडे कहाँ बेचे हुए? दुकानदार के पास बेचे, दुकान वाले के पास, वो ले लेगा। जी हाँ, और दुकान वाला इधर ही आके ले जाएगा। अच्छा। सिर्फ उसको पता चल जाए कि इधर भी फार्म है, ये लोग अंडे बेच रहे हैं, या आप दुकानों पे ले जाओ। अच्छा। सिंपल ले जाके दिखाओ, वो खुद बोलेगा कि मेरे को कार्टन चाहिए। तो भाई अपना नंबर बताइएगा ज़ोर से, ताकि अगर किसी ने कॉन्टेक्ट करना हो तो। 0313-7983-504 आपसे रब्ता करें, आप मुर्गी प्रोवाइड करेंगे। अभी नेक्स्ट आपका कब तक आ रहा है? जो अभी हम लोगों ने 17,500 दाने मंगवाए, इंशाल्लाह पहली तक पहुंच जाएगा। आप 10 मुर्गी उठाओ, ज़्यादा नहीं उठाओ, 10 उठाओ, तुमको पता भी चलेगा अंडे डेली दे रहे नहीं दे रहे, 10 का तो इतना खर्चा भी नहीं है। तो आपने इनकी बातें सुन ली होगी और इनका जो बिज़नेस है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अंडे जो है वो पैक भी करके देते हैं और यहाँ क्वेटा में मशहूर जमजमा है वहाँ पे देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने अगर कारोबार शुरू करना है तो इनका नंबर मैंने शो कर दिया है, बता दिया है आपको। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।